प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू बात करते हैं भक्तिन। भक्तिन एक छोटे कद की और दुबले शरीर की एक औरत थी। भक्तिन एक अनपढ़ थी। उसने महादेवी के साथ 50 वर्ष बिताए थे, उसका ऐसा मानना था, पर वो महादेवी के साथ बिताए हुए पल एक इंच कम नहीं करना चाहती थी। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी था धर्म की देवी, परंतु भक्तिन के पास कुछ धर्म नहीं था, तो उसको नाम रख दिया महादेवी ने भक्तिन, क्योंकि उसको अगर लोग लक्ष्मीन कहते हैं या फिर उसका मजाक बन जाता है लक्ष्मीन, क्योंकि लक्ष्मीन का अर्थ होता है धन की देवी, परंतु उसके पास जरा सा भी लक्ष्मी ना थी, वो बहुत गरीब थी। इसलिए महादेवी ने उसका नाम रख दिया भक्तिन। महादेवी ने उसका नाम इसलिए भक्तिन रखा है क्योंकि वो गले में कंठी माला पहन के घूमती रहती थी। उसकी जो एक सेवक के रूप में हनुमान जी से तुलना की गई, जैसे हनुमान जी राम की सेवा करते थे, वैसे भक्तिन महादेवी जी के वर्मा करती का सेवा करती थी। भक्तिन झूसी की रहने वाली थी। उसके माता की मृत्यु बहुत छोटी उम्र में हो गई थी और उसका 9 साल में गोना कराया था उसके पापा ने। तो उसकी जो बात आती कि उसकी जो सौतेली माँ थी, वो इतनी लालची थी ना कि जब भक्तिन के पिता की आखिरी सांस चली थी तब तक उसको नहीं बुलाया। सोचा कि कहीं वो बेनामा में अपने बेटी का नाम ना लिख जाएगी, सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। तो जायदाद के मामले में उसको जरा सा भी नहीं बताया और मायके में तो ये बोल दिया कि जा बेटा जा, तू जा, अब तेरा पिता मर गया, उसको जला वला दिया, अब क्या है। सब जगह दुखी छाया हुआ था। ससुराल से तो यही कह के भगा दिया, भगाए मीन मतलब ससुराल से यही कह के भेज दिया कि जाओ बेटा, कई दिन हो गए, तुम घूमाओ। तो इनडायरेक्टली तरीके से उसको तो बताया नहीं कि जाओ, तुम्हारे पिता मर गए। तो उसको इतना गुस्सा आया ना, वो वहां बिना पानी वानी पिए अपने मायके से आ गई और अपने पति के ऊपर जेवर फेंक फेंक के उनको ताने सुनाने लग गई कि यार तुमने बताया भी नहीं मेरे पिता मर गए, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। अब बात होती है भक्तिन के जीवन का दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय होता है कि भक्तिन की तीन लड़कियां होती हैं, जहाँ की उसके सास के तीन पुत्र थे, उसके जेठानियों के पुत्र थे, परंतु भक्तिन की सारी लड़कियां थीं। तो उसे इसका बहुत बड़ा मतलब अपमान सहना पड़ा। उसकी बेटियां ही सारा काम करती थी और उसके जेठ के जेठानियों के बेटे जो हैं सारे पी पी के मट्ठा दूध वूध घूमते ही रहते थे खेतों में। और उसकी बेटी बड़ी ही कमजोर हो गई होंगी काम काम कर करके। अब बात आती कि भक्तिन की जेठानियों को तो खूब पीटा था उनके पति ने, क्योंकि हमेशा गलती काम करती होंगी, अपनी बेटियों का पक्ष वक्ष लेके जो भी गलत काम किए होंगे तो बहुत पिटी होंगी। परंतु भक्तिन को जरस भी नहीं, उसके पति ने उसको मारा होगा। उसकी पत्नी बहुत कामकार थी, परिश्रमी थी और तेजस्विनी थी, वो हर काम को अच्छे से करती थी। तो कुछ दिनों बाद तो अवश्य था कि बंटवारा तो हो ही रहेगा इनके परिवार में, जो खटपट चल रही थी। तो भक्तिन तो खेती खाती करती रहती थी क्योंकि उसे ही सारा काम करना पड़ता था, पुत्र न होने की ये एक दंड था। तो फिर उसे खेत खलिहान गाय भैंस वैंस सब उसको अच्छी मतलब ज्ञान था कि कौन ज्यादा प्यार वो दूध देता है, कौन ज्यादा खेत से अनाज निकल रहा है, कौन सा पेड़ ज्यादा फल देता है। तो उसका इसको लाभ हुआ बंटवारे के समय। फिर बात आती कि भक्तिन की बड़ी लड़की शादी हो जाती है और उसका पति मर जाता है भक्तिन का। वो कुल 36 उम्र की होती है कि भक्तिन का पति उसे छोड़कर निकल जाता है। अब साफ सीधी बात है, अब विधवा औरत हो गई तो उसकी जायदाद हर कोई हड़पने की सोचेगा उसके परिवार में। तो उसकी जेठ जेठौतों ने सब यही प्लान बनाया कि चलो भाई इसकी अब दूसरी शादी करा देते हैं, पर भक्तिन उनकी एक ना सुनी। उसने अपने कान फुकवा लिए, मतलब उसने अपने बाबा गंजी कर लिए और कान वन छिदवा के एक भक्तिन बन गई और चाहती थी कि अब वो दोबारा शादी ना करें। तो उसके जो जेठ जेठौते थे उन्होंने कुछ और करने का सोचा। फिर अब उसके जीवन का तीसरा अध्याय अब शुरू होता है कि उसके घर में बड़ा दामाद मर गया, ठीक है। फिर अब सोचा कि चलो ठीक है, भक्तिन के जेठ जेठौते ने सोचा अब तो और अच्छा मौका है, चलो लूट लो इनकी जायदाद। तो जेठ के बेटे ने उसके अपने साले का रिश्ता लाया उसके लिए, पर उन्होंने नापसंद कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसकी भक्तिन कहीं जा रखी थी, उसकी बेटी घर में अकेली थी, तो जेठौत के बेटे ने अपने साले को भेज दिया और कमरा में बंद कर लिया। और जब भक्तिन की बेटी ने उसको देखा, एक थप्पड़ खेच के मारा, उसके गाल पे समझो 5 उंगली छप गई। अब जब बाहर निकला ना, वो इतना बुरा हाल था उसका, 5 उंगली दिखा रही थी, पर पंचायत जो थी वो तो इतनी निकम्मी थी कि उसने ना लड़की का पक्ष सुना, सीधे अपना फैसला सुना दिया कि भक्तिन को उससे शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों, पंचायत ने उसकी उसके तीतरबाज युवक के साथ, जो कि जेठ का बेटे का साला था, उससे शादी करवा दी। अब भक्तिन का जीवन बहुत दुखद से होने लगा, उसकी सारी खेती बाड़ी चौपट हो गई।
इसके लिए जमींदार ने उसको एक दिन पूरा धूप में खड़ा रखा। अब बेचारी क्या करे, उसने एक सोचा कि अब वो नौकरी करने जाएगी जहां उसे बर्तन मारने हो या कपड़े धोने पड़े, पर नौकरी पे जाएगी। तो उसके चौथा अध्याय महादेव के जीवन में जाके शुरू होता है। वो उनके यहाँ काम करने आई तो महादेवी ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या क्या आता है। तो उन्होंने बताया कि मैं सब कुछ खाना वाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, दाल बना लेती हूँ, साग भाजी वाजी सब कुछ छोक लेती हूँ। तो महादेवी के दूसरे दिन जब उन्होंने देखा कि वो भक्तिन ने अपनी धोई हुई साड़ी को दे दी महादेवी ने भक्तिन को, भक्तिन ने उस पर गंगा जल छेड़ के पहन लिया, सूर्य हुआ, पीपल के पूजा की, फिर उसने रसोई घर में बाहर रखी मटकी में एक वो खींच दिया, मतलब लाइन लक्ष्मण रेखा जैसे होता है ना वैसे लाइन खींच दिया किसके ना अंदर आए कोई, ठीक है। तो महादेवी बार बार झांकने का प्रयास करती क्या बन रहा है, पर उनको रेखा खींची हुई याद आ जाती किसके अंदर मुझे प्रवेश नहीं करना। फिर कुछ देर बाद भक्ति लाइन खाना, ठीक है। तो खाने में क्या था कि उनके सामने दाल रख दी फीकी फीकी सी, चार मोटी मोटी रोटियां रख दी जो कि जली हुई थी। महादेवी का मुंह बन गया कि ये सब्जी तो अच्छा नहीं है, मतलब ये दाल अच्छी नहीं है। तो उन्होंने भक्ति से पूछा कि तुमने सब्जी क्यों नहीं बनाई। तो भक्ति ने बड़ी तरह से जवाब दिया कि सब्जी क्यों बर्बाद करना जी, ये दाल है, दाल खा लो अच्छा लगेगा और सब्जी बच जाएगी, सब्जी रात के काम आ जाएगी। तो महादेवी ने कहा ओहो। तो उसके बाद फिर कहा कि अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं आमचूर और लाल चटनी की बना देती हूँ चटनी, तुम उसको खा लेना उसके साथ। तो अगर ये नहीं खाना तो मैं गांव से लाई और गुड़ लाई हूँ वो खा लो। पर भक्ति महादेवी ने किसी तरह वो रोटी खा के यूनिवर्सिटी निकल गई। यूनिवर्सिटी में उन्होंने सोचा कि गांव और शहर में क्या क्या अंतर होता है। भक्तिन जो थी वो लोगों के हिसाब से बिल्कुल ही नहीं बदलती थी, वो अपने अपने को अपने ढंग में लोगों को बदल लेती थी। जैसे कि महादेवी के बार बार कहने पर भी उसने कभी रसगुल्ला नहीं खाया अपने बिंदात वाले मुंह में, ठीक है। परंतु महादेवी को मकई का रात का बना हुआ दलिया सवेरे मट्ठे में मिला कर दे दिया, बाजरे के तिल लगाए हुए ठंडे पुए दे दिए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे दे दिए, उसकी खिचड़ी और सफेद महुआ की लपसी दे दी। अब क्या कर सकते हैं, वो महादेवी की बात एक भी बार नहीं मानी। उसने कभी कपड़े तय लगाना नहीं सीखा, उसने जी बुलाने जाने पे जी की जगह आए बोलती रही हमेशा। उसने कभी ये नहीं सीखा कि किसी बुलाने पे जी बोलना चाहिए, और उसने कभी भी अपने आप को ढाला नहीं दूसरे के अनुसार, जैसे कि उसने रसगुल्ला कभी नहीं खाया महादेव के बार बार बोलने में भी। तो ऐसा तो कहना मुश्किल है कि जैसे कि भक्ति दूसरों को ढाल लेती थी परंतु अपने आप को नहीं ढालती दूसरे के अनुसार, ठीक है ऐसा कह सकते हैं हम। परंतु भक्तिन में ये बात कहना दुर्गुण से भरा हुआ है, क्योंकि वो कहीं भी पैसे के पड़े होते थे उसको ले जाके भंडारघर में छुपा देती थी। तो इसका साफ साफ हमें ये पता चलता है कि वो पैसे की चोरी कर रही है। परंतु इसमें भी वो तर्क देती थी कि ये घर तो मेरा है, इधर उधर पैसे पड़े हुए हैं, इसको भला मैं क्यों चुराऊंगी, मैं तो यहाँ ला के रख दिया, ठीक है। वो कई बार भक्तिन शास्त्रों का हवाला देती थी, जैसे कि वो अपना सिर उड़ा आती थी हर रोज वीरवार को, ठीक है। तो महादेवी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि औरतें सिर मुड़वाए, तो उन्होंने पूछा क्यों मुड़वाती हो। तो उन्होंने कहा कि भक्ति ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। तो इससे वो महादेवी जी का मुंह बंद कर देती हैं ऐसे, और क्या। भक्तिन जो है वो बिल्कुल मूर्ख थी, क्या बोलते हैं उसके जो काम करते थे महादेवी के अंडर, मतलब जो लोग काम करते जैसे ड्राइवर हुआ, किचन में कोई खाना बनाना या फिर कोई साफ सफाई वगैरह होते। अब महादेवी ने ये सर रखी कि अगर तुम अंगूठे की जगह साइन करोगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। परंतु जब उसकी बात आई भक्तिन की, भक्तिन ने कहा अरे मैं अगर सब मैप पढ़ लेंगे तो क्या होगा, घर की स्थिति कौन संभालेगा। इसलिए वो बार बार अपने साइन करने से बचती थी भक्तिन, क्योंकि उसे आता ही नहीं था, पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, भक्तिन अनपढ़ी थी तो ऐसे बहाना बताई देती थी। तो वो सबसे पूछती कि चलो रात हो गई है, तुम अब महादेवी जी की मदद करा दो ताकि वो जल्दी सो जाए। परंतु सब नौकर जानते थे कि उनकी मदद कोई नहीं करा सकता, परंतु भक्तिन को पता नहीं था। अब भक्तिन क्या करती रात में जग के महादेवी के साथ, जैसे महादेवी कहती कि ये इंक खत्म हो गया तो इंक ले आती, और कोई किताब की तरफ इशारा कर देती उस रंग की तो उस रंग की किताब उठा लाती। ऐसे जो भी काम कहती, किसी पेंटिंग को रख के आने कहती पेंटिंग रख देती, किसी लेक को लेके आने कहती लेक को ले आके आती थी और महादेवी के सामने रख देती थी, और रात में शरबत तुलसी की चाय बना बना के महादेवी जी को देती थी। तो महादेवी को अपना लेख लिखने में बहुत रात हो जाती थी।
महादेवी महादेवी ने बताया कि उनकी हिरनी जो सोना थी वो तख्त पे सो जाती थी, और कुत्ता बसंत जो था वो मचिया पर पंजे फैला के सो जाता था, और बिल्ली गोधुली वो महादेव के तकिए पे सिकुड़ कर सो जाती थी। ठीक है, अब बात आती है कि रात में जैसे सुबह होती तो सबसे पहले तो वो उठ जाती थी भक्तिन, क्योंकि उस समय हिरनी को दौड़ना होता था, आकू रहती थी उछल कूद करने के लिए, उसका कुत्ता सुस्त पोटी जाने के लिए तैयार रहता था, दरवाजा खुलने का इंतजार करता था, और गोधली जो उसकी वो था वो बिल्ली, वो चिड़िया का चहचहाट सुन के उनकी शिकार की तरफ निकल पड़ती थी। अब बात आती है कि महादेवी जी ने बड़ी 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 यात्राएं की हैं, जैसे कि केदारनाथ गई हैं, और एक बार जब देश में विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भक्तिन के बेटी और दामाद आए उसे गांव ले जाने के लिए, पर वो मंजूर नहीं हुई, और युद्ध का प्रकोप इतना बढ़ता जा रहा था कि भक्तिन ने महादेवी जी से कहा कि चलो मेरे गांव, वहां मेरे पास लकड़ी की मचिया है, वहां मैं आपके लिए धोती है उसके ऊपर कपड़े रखेंगी, और दीवार पर कीड़े टांग कर तख्ते पर रख देंगी, और किताबें सजा देंगी, धान के गुदरे बना देंगी जिसपे तुम हम लेट सकते हैं, कम्बल बिछाकर सोने का प्रबंध कर देंगी, ऐसे ऐसी बातें उन्होंने कहा। तो महादेवी फिर ने बहाना ढूंढा कि इससे कैसे बचूं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु भक्ति ने कहा मेरे पास 105 रुपये बचाए हुए रखे हैं। यह सुनकर महादेवी जी इतना मतलब होश उड़ गया कि जहां भक्ति ने 1-1 रुपए के लिए किसी को नहीं देती थी, परंतु महादेवी जी के लिए 105 रुपये निकल आए उसके पास। तो छात्रावास की लड़कियां भी भक्ति से बड़ा स्नेह रखती थी, कभी कभी उनसे जैसे कि भक्तिन से कहीं कुछ काम पड़ जाता कि नाश्ता बनाना हो या फिर कुछ बनाने के लिए, तो सारी लड़की उनसे कभी भी मदद लेती थी, परंतु जब सुबह सुबह या कभी भक्तिन महादेवी जी का खाना बनाती तो लड़कियां उस पे टिप्पणी करती थी, परंतु जैसे ही महादेवी को आते हुए देख लेती वो सब एकदम से चिड़िया की तरह फुर्र हो जाती थी। भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो सबके दुखों को समझती थी, जैसे कि उस समय कई सारे लड़के को कारागार में डाल दिया जा रहा था, और भक्तिन कहती थी कि उनकी माँ को कितना दुख हो रहा है जिन्होंने अपने बेटों को प्यार से पाला था, और उन्हें वो दुखी करके कितना रो रही होंगी। तो भक्तिन कारागार से बहुत डरती थी, और उसको सब लोगों को पता चल गया था भक्तिन की ये बड़ी प्रसिद्ध बीमारी हो चुकी है कारागार से डरने की। तो वह पूछती थी महादेवी जी से कौन सा साबुन रख लूँ, कौन सी धोती धो दूँ, क्या क्या पैक करके सारा सामान रख लूँ कारागार जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। पर भक्तिन कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मालिक के बिना नौकर ना जाए, पर अब जब मालिक को जेल जाना पड़ा तो नौकर कैसे जेल जाएगा, इसमें वो भक्तिन समझ ही नहीं पाती थी। तो महादेवी जी ने क्या कहा कि जब कुछ ऐसा समय आएगा कि धोती धोने का समय तक नहीं मिलेगा, अर्थात कि भक्तिन की मृत्यु हो जाएगी। तो यहीं पर महादेवी जी ये कहानी समाप्त करना चाहती हैं भक्तिन, क्योंकि वे भक्तिन के मरने का इस पाठ में जिक्र नहीं करना चाहती। तो यही हमारे पाठ का अंत होता है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इसको जितना फैलाएंगे उतना ही हमें पता चलेगा कि हमें इंसान के प्रति कितना प्रेम रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू की बात करते हैं भक्तिन। भक्तिन एक छोटे कद की और दुबले शरीर की एक औरत थी। भक्तिन एक अनपढ़ थी, उसने महादेवी के साथ 50 वर्ष बिताए थे, उसका ऐसा मानना था, पर वो महादेवी के साथ बिताए हुए पल 1 इंच कम नहीं करना चाहती थी। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी, लक्ष्मी था।